कभी टाइगर तो कभी राधे बनकर फैंस के बीच फेमस सलमान ने साल 2021 का पूरा शेड्यूल बना लिया। सलमान ने अपना टाइम टेबल अपने फैंस के साथ साझा भी कर लिया। सलमान की इस अनाउंसमेंट के मुताबिक मार्च 2021 से लेकर 8 महीने तक वो लगातार 3 मूवीज की शूटिंग करने जा रहे हैं और जैसे ही ये तीनों फिल्में खत्म होंगी फिर से बिग बॉस के नेक्स्ट सीजन की शूटिंग शुरू कर देंगे। सलमान खान टीवी के मोस्ट कंट्रोवर्सी रियलिटी शो का आखिरी एपिसोड जो आने वाली 21 फरवरी को टेलीकास्ट होगा। शो की शूटिंग करीब करीब पूरी हो चुकी है और सूत्रों की माने तो इस शो का विनर भी तय हो चुका है। बीते शनिवार को इस शो का वीकेंड का वार होस्ट करते समय सलमान खान ने शो की एंडिंग की ओर इशारा करते हुए फैंस के साथ शो की इन्फॉर्मेशन साझा की कि जैसे ही इस शो का एंड होगा वो 3 मूवीज की शूटिंग एक के बाद एक करने जा रहे हैं। वहीं शाहरुख खान की तेजी से बन रही फिल्म पठान में सलमान खान का एक खास रोल है, लेकिन ये पहली बार है जब सलमान खान ने खुद इसकी पुष्टि की है। फिल्म पठान में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जासूसों के रूप में नजर आएंगे और सलमान खान इस फिल्म में अपने पॉपुलर किरदार टाइगर के रूप में इस स्टोरी में एंट्री मारेंगे। सलमान के मुताबिक पठान की शूटिंग खत्म करने के बाद वो अपनी टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं। अपनी अगली तीनों फिल्मों के बारे में पहली बार सार्वजनिक खुलासा करने के साथ ही सलमान खान ने ये भी साफ कर दिया कि रियलिटी शो बिग बॉस का TRP चार्ट में इस साल जैसा भी हाल रहा हो लेकिन इस शो का अगला सीजन भी वो होस्ट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आउटपुट डेस्क, ग्लोबल भारत।